अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU चैनल। पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, आज मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मैं दो बड़ी अपडेट आपको शेयर करने लगा हूँ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स कुछ अरसे पहले मैट्रिक FA कर चुके हैं वो अपने ट्रांसक्रिप्ट का वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट कार्ड का। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि अभी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ना तो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट दे रहा है पिछले 9 मंथ से, और बाय पोस्ट भी जो है ना बहुत कम स्टूडेंट्स को भेज रहा है, बहुत कम स्टूडेंट्स को, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या FA के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने BA, BCOM, ADA कर चुके हैं वो, या फिर BEd हो गया, BS हो गया, जो भी क्लास है। तो मेरा मशवरा उसको यही है कि आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, आपकी डिग्री के साथ ही आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर डिग्री की बात कर लेते हैं। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वैसे तो 45 दिन का बताता है, लेकिन 45 दिन में किसी की भी नहीं आती है। आप अर्जेंट अप्लाई करोगे ना तो भी आपको 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको 3-3 मंथ गुजर गए हैं, लेकिन उनकी ना तो अभी ट्रैकिंग में डिग्री आई है और ना ही उनको कोई डिग्री वगैरह मिली अभी तक। फिर उसके बाद अभी बात कर लेते हैं BS एडमिशन की। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने BS एडमिशन 2.5 साल प्रोग्राम का आगाज़ किया है, तो उसके ऊपर बाकायदा लिखा भी हुआ है BA BSc बेस। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ADA किया हुआ है वो उसमें एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं उनको इस चीज़ से मना करूँगा कि वो जो ADA वाले स्टूडेंट्स हैं वो BS में एडमिशन ना लें जो 2.5 साल BS है, क्योंकि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो BA BSc वाले हैं उनको BS के 5 सेमेस्टर में एडमिशन देगा, वो 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा करेंगे वो। और जो ADA वाले हैं ना उनको अलामा इकबाल 6 सेमेस्टर में एडमिशन देगा। लेकिन अभी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सिर्फ़ और सिर्फ BA BSc के लिए जो है ना ये BS के एडमिशन का आगाज़ किया है। मेरा यूनिवर्सिटी भी रब्ता हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह AD वालों को अगले सेमेस्टर में जो है ना एडमिशन देंगे 6 सेमेस्टर से। मतलब जो AD वाले हैं वो अभी एडमिशन ना लें, उनकी फ़ीस भी ज़ाया होनी है, 6 मंथ भी ज़ाया होने हैं। हो सकता है बाद में आपकी डिग्री के लिए मसला बन जाए, और ये अक्सर होता भी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बुक को 2-2 बार पास कर लेते हैं। अलामा इकबाल पास भी करवा देता है, एडमिशन भी दे देता है, लेकिन जब उनकी डिग्री का टाइम आता है फिर उनके लिए मसला बन जाता है। तो आपने इधर अपने लिए मसले पैदा नहीं करने हैं, आप एम ही अपने 6 मंथ भी ज़ाया करो, उसके बाद आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो, और 2.5 साल के बाद जब आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करो तो आपके लिए मसला खड़ा हो जाए। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह।